aksal i am manal from morocco and you're watching rakistani reactions in today's video a video by real world saudi arabia's new terrifying discovery just shocked the american scientists Vo so, saudi project jo darasal Khayamat ki nishani so ayye did hain ye project to do क़यामत की निशानी है आइए देखते हैं लेट्स स्टार्ट द वीडियो वन टू थ्री रियल वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन गुजशत कुछ अरसे से सऊदी अरब में जब से वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुल्क की कमान संभाली है तब से सऊदी अरब अपने बहुत सारे फैसलों से पूरी दुनिया को हैरान करता चला जा रहा है प्रिंस एम के नाम से जाने जाने वाले सऊदी वली अहद सिर्फ अपने मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी मुतनाज शख्सियत बन चुके हैं इसके बावजूद एम के वी एन की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता सऊदी वली अहद के वी एन के मुताबिक सऊदी अरब को सन 2030 तक तेल की आमदनी से कम करते हुए मुल्क की मीशत का रुख दीगर शोबा जात की जानब मोड़ना है इन शोबा जात में काटेज इंडस्ट्री यानी छोटी संतें एग्रीकल्चर और तामीराती शोबे शामिल हैं। इसके साथ साथ पूरे मुल्क को टूरिस्ट अट्रैक्शन बना देने पर भी काम किया जा रहा है हाल ही में सऊदी साइंसदान ने एक ऐसा काम किया है और एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है जिसके बारे में जानकर अमरीकी साइंसदान भी हैरानो परेशान है इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से अमेरिका को परेशानी हो रही है और इस बारे में सऊदी अरब की जानब से दावा किया जा रहा है कि ये सऊदी अरब की पूरी की पूरी जमीन को बदल कर रख देगा इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट के जरिए सऊदी हुकूमत कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी भी पूरी करने जा रही है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नासन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रिंस एमबीएस के 2023 के वीएन में मौजूद ये आम तरीन प्रोजेक्ट कौन सा है जिससे पूरे मुल्क की तकदीर बदलने वाली है तो दोस्तों सऊदी अरब ब्राजम एशिया के जनूब मगरबी हिस्से में वाकई एक सहराई मुल्क है सऊदी अरब का ज्यादातर हिस्सा यानी नब्बे फीसद से ज्यादा हिस्सा सहरा पर मुश्तमिल है और यहाँ पर जरात और काश्तकारी करना बहुत मुश्किल है मुल्क के थोड़े बहुत हिस्सों में ही जरात और काश्तकारी होती है जबकि बाकी जगहों पर ज्यादातर खजूर के दरख्त उगाए जाते हैं जो कि एक सख्त मौसम में फलने फूलने वाला दरख्त है यही वजह है कि सऊदी अरब की मकामी खुराक में खजूर को बेहद अहमियत हासिल है और सऊदी अरब दुनिया भर में खजूर पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है लेकिन अब हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं प्रिंस एमबीएस के वी एन दो हजार तीस के मुताबिक पूरे मुल्क को सरसब्जो शादाब बनाने की कोशिश की जा रही है इस सिलसिल में यह मनसूबा बनाया गया है कि सऊदी अरब के कम से कम 30 से 40 फीसद हिस्से को जरात के काबिल बनाया जाएगा जहां पे गंदम और इस तरह की दीगर अजनास समेत मुख्त फ्रूट और सब्जियां भी उगाई जाएंगी इस प्रोजेक्ट पे सन 1970 से काम हो रहा है और सऊदी अरब अपनी जरूरत की गन्दुम अब खुद ही पैदा करता है लेकिन फिर भी सऊदी अरब का बेशुमार हिस्सा एक निहायत गर्म सहरा पर मुश्तम है दूसरा इस प्रोजेक्ट को अब पूरे मुल्क तक फैलाने का मंसूबा बनाया गया है

और सहराव में रात के वक्त पड़ने वाली औसत को जदीद साइंटिफिक तरीकों से इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए सऊदी साइंसदान अपने पूरे मुल्क को सरसब्जो शादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के पहले मरहले में सऊदी अरब में 8 मिलियन यानी 80 लाख दरख्त लगाने का काम शुरू हो चुका है इसमें सऊदी अरब के चंद मुंत करदा इलाकों में ये अस्सी लाख दरख्त लगाए जाएंगे इन दरों में बहुत सारे ऐसे दरख्त भी हैं जो सऊदी अरब में निहायत कम रह गए हैं इसके साथ साथ इन दरख्तों में कुछ ऐसी नस्लें भी मौजूद हैं जिनका वजूद ही सऊदी अरब से खत्म हो गया था यानी अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि सऊदी अरब इस प्रोजेक्ट के आगाज से आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क को किस तरह से सरसबो शादाब बनाना चाहता है जिस इलाके में दर ज्यादा हो वहाँ पे बारिश भी ज्यादा होती है और अगर बारिश ज्यादा हो तो बारिश की वजह से उस जमीन में नाइट्रोजन की मकदार भी बढ़ने लगती है और यूँ दरख्तों का ज्यादा होना हर तरह से जमीन की जरखेजी का बायस बनता है और सऊदी हकूमत इसी पर काम कर रही है इस प्रोजेक्ट के अगले मरहले में बगैर सूद की सरमाकारी और कर्ज दिए जा रहे हैं इस सिलसिले में कोई भी सऊदी शहरी कर्ज और जमीन हासिल कर सकता है शायद सिर्फ इतनी है कि जो जमीन भी हासिल की जाएगी उसका कम अज कम बीस फीसद मुकम्मल तौर पर दरख्तों और काश्तकारी के जरिए सरसब्जो शादाब बनाया जाएगा यानी सस्ते और आसान कर्जों के जरिए सऊदी हकूमत अपने मुल्क को सरसब्जो शादाब बनाने में आवाम का ताउन भी शामिल कर रही है इससे न सिर्फ जरात से मुतलका छोटी इंडस्ट्री को हासिल होगा बल्कि सऊदी शहरियों का मैारुलंद ऐसी बुलंद होता चला जाएगा और बात सिर्फ यही आरोप खत्म नहीं होती इस प्रोजेक्ट का अगला मरला भी अपने आप में नहायत हैरान करने है दोस्तों सऊदी अरब इस प्रोजेक्ट के जरिए अपने मुल्क में न सिर्फ दरख्तों की मादूम शुदा नस्लें दोबारा बहाल करने वाला है बल्कि इसके साथ साथ जरात को फ्रोक देने ऐसी सऊदी अरब जनूब मगरबी एशिया के खत्े में एक अहम खिलाड़ी भी बन जाएगा सऊदी अरब के आसपास जितने भी दीगर ममालिकूरत हाल सऊदी अरब से अलग नहीं है तकरीबन तमाम इलाके सहराई हैं और वहाँ पे इस तरह की जरात का कोई वजूद नहीं पाया जाता जमीनी तौर पर दरख्तों की तादाद में इजाफा करने और आसान शराय पर गैर सूदी कर्जे के जरिए जरात को फरोग देने के साथ साथ सऊदी हुकूमत एक और प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने का मकसद अपने इलाके में होने वाली बारिश की मकदार बढ़ाना है इस सिलसिले में इस कुदरती तरीके के साथ साथ एक मसनू तरीके पर भी काम किया जा रहा है ये तरीका वैसे तो पिछले कई साल से पूरी दुनिया में मुख्तलि और मुख्तलि इलाकों में इस्तेमाल किया जाता रहा है लेकिन अब इसकी जिद्दत इस तरीके को निहायत दुरुस्ती से काम करने वाला बना चुकी है हम बात कर रहे हैं मसनू तौर पर बारिश बरसाने के तरीकों की और इसी सिलसिले में सऊदी अरब मुतहदा अरब अमारात का तान भी हासिल करने वाला है इसकी एक वजह यह भी है कि मशनू बारिश बरसाने वाले प्यारे और टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा मुतहदा अरब अमारात के पास ही है पाकिस्तान ने भी कुछ अरसकबल मसनू बारिश का तजुर्बा करने के लिए मुतहद अरब अमारात की खिदमत हासिल की थी प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये जान लेना भी बहुत जरूरी है कि सऊदी अरब का यूं शादाब हो जाना कोई इत्तेफाक या हैरत की बात नहीं है बल्कि एक पेशगोई है जिसका पूरा होना बहुत जरूरी है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादे करामी है कि कयामत के नजदीक जजीरा नुमा अरब सरसब्जो शादाब हो जाएगा और जब ऐसा हो जाए और यहाँ पर हर मौसम की हर चीज मिलने लगे तो फिर कयामत नहाय नजदीक होगी अब आप समझ सकते हैं कि दरअसल सऊदी हुकूमत जिस प्रोजेक्ट के जरिए अपने मुल्क की तकदीर बदलना चाहती है यही प्रोजेक्ट सऊदी अरब के लिए क्यामत की निशानी बनने वाला है सऊदी अरब के मुकम्मल तौर पर सरसब्जो शादाब होने में अभी काफी अरसा बाकी है लेकिन हमारे लिए इसमें एक बड़ी वार्निंग मौजूद है जब सऊदी अरब का इलाका सरसब्जो शादाब होने लगे तो इसका मतलब यही है कि कयामत के नजदीक आने से कयामत के बाकी फितने भी पूरी दुनिया में सर उठाते जाएंगे और इन फितनों के दौर में अपने ईमान को सलामत रखना शरीयत की पैरवी करना और लोगों के शर से बच कर रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा इसलिए हमें चाहिए कि हम इज्तमाही अपनी और अपनी नस्लों की हिदायत और रहनुमाई के लिए जरूरी इकदाम उठाए और इन्हें आने वाले फितनों के बारे में खबरदार किया जाए ताकि इन फितनों का मुकाबला किया जा सके और अपने ईमान की हिफाजत की जा सके एक बात जो अहम और याद रखने वाली है वो ये है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के इर्शादे गरामी के मुताबिक इन फितनों से डायरेक्ट मुकाबला नहीं किया जा सकता इसलिए इन फितनों का इल्म रखने के साथ साथ अपना ईमान बचाने का एक ही तरीका है कि इन फितनों से दूर भागा जाए और आबादी से जितना दूर मुमकिन हो सके रहा जाए जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफूम है कि आखिरी जमाने में अपना ईमान सलामत रखने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होगा कि इंसान किसी दूर दराज और बयाबान इलाके की तरफ निकल जाए और आबादी से जितना हो सके दूर हो जाए जी तो प्यारे साथियों थी हमारी आज की वीडियो इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा इन आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए अल्लाह ने ये वाकई क़यामत के निशानियों में से है जिसका जिक्र अदीस में आया है कि जज़ीरा नुमा आ, अरब जो है वो आ, उसमें हरियाली होगी सब्ज हो जाएगा तो ये आहिस्ता आहस्ता हो हो रहा है और यहाँ का मौसम अब चेंज होने लगा है और बारिश पहले से ज़्यादा होने लगी है और आपने वो पिक्चर्स देखे होंगे मक्का के पहाड़ों की जो ग्रीन होने लगे हैं बारिशों के बाद जब बारिश बहुत तेज़ बारिश हुई थी मक्का में तो वो पहाड़ जो है वो ग्रीन होने लगे हैं तो ये तो नेचुरल बारिश है और वो तो आर्टिफिशियल बारिश भी करवाने की बात कर रहे हैं क्योंकि जैसे हम सबको पता है कि नबे फ़ीसद ज़मीन जो है सऊदी अरब में डिज़र्ट है और सहरा है और उसमें कोई एग्रीकल्चर नहीं की जा सकती है लेकिन उन्होंने जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है उसमें दरख्त उगाने का बोल रहे हैं आ, सोच रहे हैं सहरा के अंदर भी ताकि जो है वहाँ पर ज़्यादा बारिश हो प्लस आर्टिफिशियल बारिश भी करवाने का सोच रहे हैं जिससे जो है एग्रीकल्चर और मज़ीद अच्छी हो जाएगी सऊदी अरेबिया में एग्रीकल्चर को अम्प्रूव करने के करने के दौरान जो है वो एक क़यामत के निशानी भी पूरी कर रहे हैं तो क़यामत की निशानी तो पूरे होंगे ही अपने टाइम पे पूरे होंगी उससे जो है उनको कोई रोक नहीं सकता है होने से रोक नहीं सकता ये होकर रहेगी और ये टाइम के साथ साथ जो है हमें आ, ये वाज होने लगा है कि ये वाकई ये क़यामत की निशानियाँ जो है एक, एक करके पूरी हो रही हैं बस अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें एंड ऑफ टाइम की फितनों से बचाए और हमारे ईमान को सलामत रखें और हमें और अपने औलाद को और आने वाली नस्ल को आ, इस फितने से बचाए जमान और एंड ऑफ टाइम की फितनों से बचाए अमीन सुब आमीन सो ये थे आज की वीडियो उम्मीद है कि आप सबको पसंद आए होगी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चल हैं अपना बहुत ख्याल रखिएगा फिर मैंने